आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो और बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि हमारे चैनल पे पहले का एक वीडियो है बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके दिखाया था कि लोन अप्लाई कैसे किया जाता है। और वहां पे लगभग जो है 1 लाख से ऊपर लोगों ने दिखाया और 10,000 से ऊपर कमेंट आया। उस कमेंट को जो है हमने स्टेप बाय स्टेप रीड किया है। उसके बाद जो है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो न्यू लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो कैसे है, आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट से लेकर डॉक्यूमेंट से लेकर चार्ज क्या लगने वाला है और आपको पैसा रिपेमेंट कैसे करना होता है, इस सारा चीज का जानकारी जो है आप सबको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बकैती को करते हैं साइड में, डायरेक्ट जो है हम आप सबको डेस्कटॉप ले चलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए जो है आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद जो है आप सबको पर्सनल वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट कार्ड एंड लोन मिलता है, ठीक है। लोन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, ठीक है, सभी प्रकार का लोन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे हम पर्सनल लोन पे सेलेक्ट कर लेते हैं। पर्सनल लोन पे सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लो इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है, नो हिडन चार्ज दिखा रहा है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे अप्लाई जो है आप 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। मतलब बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काफी टाइप का जो है आप सबको पर्सनल लोन देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे हम आप सबको पर्सनल लोन के बारे में दिखाने वाले हैं, लेकिन हम बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे नीचे मोर का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे फीचर्स मिल जाता है, एलिजिबिलिटी मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल जाता है और यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आप सबको एक बार स्टेप बाय स्टेप रीड कर लेना है। हालांकि हम पहले अप्लाई करके दिखा देते हैं, उसके बाद जो है हम आप सबको रेट एंड इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंट, जितने भी चार्जेस होते हैं उसके बारे में भी हम आप सबको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर पर देख लेते हैं कि हम कितना रुपया लोन अप्लाई करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या आने वाला है। सबसे पहले जो है यहाँ पे ग्रेस मंथली इनकम पूछा जाता है, मतलब महीना में आप कितना रुपया कमाते हैं यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे मान लीजिए हम 40,000 रुपया कमाते हैं तो यहाँ पे हम 40,000 रुपया फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है ग्रॉस मंथली डेडुकेशन, मतलब कितना रुपया आप खर्च कर लेते हो, तो यहाँ पे जो है हम 20,000 रुपया सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भाई यहाँ पे पूछा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, कितना रुपया आप रखना चाहते हो, तो यहाँ पे 10.75 से स्टार्ट होती है, 10.75 हमारा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे टर्न ओवर मंथ दिया गया कि कितने मंथ का जो है आप अपना ईएमआई रखना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है 24 मंथ दिया गया, यहाँ पे जो है हम 20 मंथ रख लेते हैं। 20 मंथ रखने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम इलिजिबल लोन अमाउंट जो है 10,00,000 रुपया दिखाया जा रहा है। मतलब अगर आप 40,000 रुपया महीना में कमाते होंगे तो यहाँ पे 10 लाख तक का जो है आपको इजी तरीके से लोन मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो मंथली ईएमआई जो है आपका 10,967 रुपया आ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम मंथली ईएमआई जो है आपको 54,836 रुपया। मतलब यहाँ पे जो है मिनिमम आप 3 मंथ के लिए ईएमआई सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 120 मंथ तक के लिए जो है आप अपना टर्नर सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे जो है पता लग गया कि हम कितना रुपया कमाते हैं तो हमको जो है कितना रुपया लोन ऑफर किया जा सकता है। तो चलो यहाँ पे अब हम समझ गए हैं, अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए जो है आप सबको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिलता है, अप्लाई नाउ पे एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो है आप सबको लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे ट्रैक स्टेटस मिलता है, मतलब लोन अप्लाई करके उसके बाद जो है आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका लोन जो है पास हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, किस रीजन से रिजेक्ट किया गया, ये सारा चीज जो है आप सबको यहाँ पे ट्रैक स्टेटस में दिखा देगी। उसके बाद यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाता है, लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ पेज ओपन होता है जहाँ पे हमको जो है कुछ डिटेल्स फिल करना होता है। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे मिडिल नेम फिल करना है और यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम फिल करना है। ध्यान रहे यहाँ पे जो भी आप डिटेल्स देंगे वो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से देंगे, मतलब आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड में जो है ये डिटेल्स होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अब उसके बाद जो है आप सबको यहाँ पे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो है पर्सनल ईमेल आईडी फिल कर लेना है। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी दिया गया, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो है आप रिटायर पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो है आप सबको लोन चूज करना है। यहाँ पे आपको गोल्ड लोन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एजुकेशन लोन, होम लोन देखने को मिल जाता है। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है स्टार पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है सब प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है कि आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी जो है आप सबको पर्सनल लोन सिक्योर्ड मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर, मतलब आपका अकाउंट इसमें है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है दोनों पर्सन को लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए अगर आपका अकाउंट इसमें होता है तो आपको जो है प्री अप्रूवल पर्सनल लोन अगर ऑफर किया गया होगा तो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अगर आपका खाता इसमें नहीं है तो यहाँ पे जो है आप सबको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा, उसके बाद जो है आप सबका लोन ऑफर्स दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट होगा तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं होगा तो नो पे क्लिक करेंगे। दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है। अगर आपका अकाउंट इसमें होता है तो आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट जो है आपको लोन ऑफर्स किया जाता है और लोन को जो है अप्रूव कराकर अपने अकाउंट में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अमाउंट पूछा जाता है कि कितना रुपया जो है इस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 5 लाख रुपया लोन लेना चाहते हैं तो 5 लाख रुपया यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, फिल करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट पूछा जाता है, किस स्टेट में जो है आपका बैंक पड़ता है, आपको अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ब्रांच नेम दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सिटी में जितने भी ब्रांच होते हैं वो सारे ब्रांच दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो वेरिफिकेशन दिया गया, मतलब कैप्चा दिया गया, तो इस कैप्चा को जो है आपको इस बॉक्स में फिल करना है। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट आपको अपना कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद जो है आप सबको यहाँ पे सबमिट का बटन मिलता है, सबमिट पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। तो चलिए खटाक से जो है इस पेज को हम कंप्लीट फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कंप्लीट डिटेल्स फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो है आप सबका नाम शो करेगा और आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन नंबर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको नोट कर लेना है ताकि ट्रैक करने में जो है आप सबको काम आएगी। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको जो है आपको कहीं पे नोट कर लेनी है। तो यहाँ पे जो है आपको 48 घंटा बाद जो है स्टेटस चेक करना है। अब स्टेटस कैसे चेक करना है उसके बारे में हम आप सबको दिखा दें। तो फाइनली आपको जो है एक स्टेप बैक आना है। फाइनली आप एक स्टेप बैक आते हैं तो यहाँ पे ट्रैक स्टेटस का बटन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका लोन एप्लीकेशन मिला है, रेफरेंस नंबर मिला है, रेफरेंस नंबर को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक कैप्चा मिलता है, कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका लोन का स्टेटस होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। मतलब अगर आपका लोन रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, अगर आपका लोन पास होता है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे हम आप सबको बता दें कि डॉक्यूमेंट जो है हमने अपलोड किया ही नहीं है। तो देखिए डॉक्यूमेंट का जो झंझट होता है वो आपको बैंक में देना पड़ता है, मतलब यहाँ पे आप लोन अप्लाई करते हैं आपका लोन पास हो जाती है, उसके बाद जो है आप सबको अपना डॉक्यूमेंट लेकर अपने ब्रांच में जाना होता है और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद जो है इंस्टेंट उस पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में लोन अप्लाई करना जो है काफी इजी प्रोसेस होता है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा।